जो सभी ऋतु जो जगह हैं जिनसे उनका जुड़ाव रहा है, ये सभी हमारे सहयोगी उन्हीं जगहों पर मौजूद हैं। चाहे ओरछा चलें जहां राम राजा सरकार विराजते हैं, सुशील इस वक्त हमारे सहयोगी वहां मौजूद हैं। सुशील, क्या तैयारियां हैं अभी, और चूंकि कुछ समय बाकी रह गया है, कुछ ही घंटे जब प्राण प्रतिष्ठा होगी, किस तरह से उत्सव की तैयारी है ओरछा में? सुशील के पास चलेंगे फिलहाल। शैलेंद्र हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं। शैलेंद्र, अभी की ताजा स्थिति क्या है, जो अभी भगवान के आगमन की प्राण प्रतिष्ठा की जो तैयारियां हैं सभी ने अपने स्तर पर लगभग कर ली हैं, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में थोड़ा सा समय बाकी है, क्या कुछ तैयारियों की भी गुंजाइश रह गई है? देखिए बिल्कुल आशीष, मैं आपको बता दूं कि इंदौर के नंदा नगर के राम मंदिर में मौजूद हूं। आप देख सकते हैं जिस तरीके से प्रधानमंत्री के द्वारा आह्वान किया गया था कि अपने अपने इलाके के जो मंदिर है उनको साथ सज्जा की जाए, उनमें विशेष पूजा अर्चना की जाए। सुबह का वक्त है, लेकिन बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पहुंचे हुए हैं। उसके बाद महाआरती जो है वो रामलला की, जो प्रभु श्री राम की है, वो यहाँ की जा रही है। तमाम तरीके की तैयारियां हैं वो की गई। देखिए आज बेहद खास दिन है, न केवल देशवासियों के लिए बल्कि पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर मैं देखूं तो बड़ी जोर जोर से तैयारियां की गई है प्रभु श्री राम के आगमन पर। देखिए खुशी की बात है, लगभग 500 साल बाद जो है वो प्रभु श्री राम का अपने घर में विराजमान होने जा रहे हैं। जो महिलाएं हैं, जो बच्चियां हैं, वो यहां अभी मंदिर में पहुंची हुई है, और आरती, प्रातः आरती जो है वो प्रभु श्री राम की जा रही है। ये दिन भर इन आयोजनों का दौर जो है वो यहाँ पर इंदौर में रहने वाला है, चाहे पृथ्वेश्वर पर्वत हो या दूसरे अन्य इलाके हो, लगातार जो है वो वहाँ पर पूजा अर्चना की जाएगी। इंदौर जो है उत्साह के मामले में अपने आप में एक अनूठी मिसाल कही जाती है, और यही कारण है कि शाम को राजवाड़े पर शाम 7 बजे एक आतिशबाजी का भी कार्यक्रम किया गया, 5,000 दीपक लगाकर शाम को दीपावली भी मनाई जाएगी। तो इंदौर वासियों में बेहद हर्ष जो है वो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर है, और यही कारण है कि सभी मंदिर, चाहे छोटे बड़े मंदिर, जितने भी मंदिर हैं, उनमें जो भक्तों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। रामलला की आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर आरती की जा रही है, रंगोली सजाई जा रही है, फूलों से द्वार सजाए जा रहे हैं। तो ये बताता है कि कितना उत्साह जो है वो अपने प्रिय आराध्य के को लेकर यहाँ के लोगों में है। तो तमाम जो तैयारियां हैं वो लगातार की जा रही थी, और अब वो घड़ी आ गई है जिस बात का ये छत्तीसगढ़ का रुख भी कर लेते हैं, चूंकि हमारे साथ युगल भी जुड़े हुए हैं। युगल, आखिर ननिहाल में किस तरह की तैयारियां की जा रही हैं, कितने उत्साहित हैं ननिहाल में, राम के ननिहाल में सब आज के कार्यक्रम के लिए, आज की प्राण प्रतिष्ठा के लिए किस तरह का उत्सव मनाया जा रहा है? राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएगा छूट। कमोबेश इसी तर्ज पर लोग हैं, राम भक्ति में पूरी तरह से डूबे हुए हैं, और सीधी देख सकते हैं। मैं अपने सहयोगी राजेंद्र जी से कहूँगा कि राम लला का पट है वो खुल चुका है, यहाँ पर आरती है वो शुरू हो चुके हैं, और बड़ी संख्या में जो भक्त हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, और हम इस वक्त मौजूद हैं राम मंदिर पे। विविध आयोजन हो रहे हैं पूरे छत्तीसगढ़ में, जितने भी देवालय हैं, मंदिर हैं, वहाँ सभी में देर रात तक पूजा अर्चना की जाती रही, प्राण प्रतिष्ठा मंदिरों में भी हुई। इसके अलावा शोभा यात्रा निकालने की पूरी तैयारी है, और आप देख सकते हैं कि पूरा किस तरह से यहाँ पर पूरा भक्तिमय माहौल है, और यहाँ जो बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं, जो भक्त हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। तो ये कह सकते हैं कि किस तरह से यहाँ का जो स्थिति है, आप देख सकते हैं मंदिरों में भक्तों का जो तांता लगा हुआ है। हमारे बीच जो आचार्य जी भी हैं, मुख्य पुजारी हैं राम मंदिर के, हम उन्हीं से कुछ देर बाद सीधी सीधी बात करेंगे, और किस तरह के यहाँ पर राम मंदिर में, चूँकि ये राजधानी रायपुर का राम मंदिर है, काफ़ी जो प्रसिद्ध राम मंदिर है, और यहाँ पर बड़ी संख्या में जो भक्त हैं आते हैं, और हमारे बीच जो मुख्य पुजारी हैं आ रहे हैं, हम उनसे बात करेंगे किस तरह का यहाँ पर जो अनुष्ठान होंगे, किस तरह का आयोजन है वो होगा। आप बताएंगे आज किस तरह के आयोजन यहाँ पर होंगे राम मंदिर? यहाँ सुबह 9 बजे से भगवान का अभिषेक होगा, और 12 बजे जो वहाँ अयोध्या में लाइव दर्शन वहाँ का यहाँ कराया जाएगा। 11 बजे से 12 बजे तक पूज्य श्री विजय कुशल जी महाराज का प्रवचन है, उसके बाद में शाम को आतिशबाजी है, भगवान के साग श्रृंगारों के सब कार्य चलेंगे, शाम को महाआरती की जाएगी। 500 साल का इंतजार, क्या लगता है कि कितने लोग उत्साहित हैं, काफी भक्ति में डूबे? भारत उत्साहित है, भारत का प्रत्येक प्रत्येक नागरिक उत्साहित है, हम लोग तो बहुत ही आनंदित हैं कि 500 वर्षों बाद हमको, हमारे पूर्वज जितने लोग चले गए उनको आज सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। पुनः ऐसा लगता है कि राम अपने स्वरूप में, विग्रह के रूप में, रामो विग्रहवान धर्म, क्योंकि जैसे राम विराजमान हो जाएंगे तो धर्म भी इस पृथ्वी पर विराजमान हो जाएगा।
आप पूजा अर्चना तो आप लोग हमेशा से करते रहे हैं, लेकिन आज कितना खास है आप लोगों के? अरे कितने लोगों ने इसके लिए अपना बलिदान दिया है, 25 साल 30 साल हो गए हैं जब बाबरी मस्जिद ढहाए थे, उसके बाद अभी शुरू हुआ है जो राम मंदिर का, इसके लिए हम लोग बहुत बहुत खुश हैं कि हम लोगों को ये मौका मिला है। हमारा छत्तीसगढ़ तो ननिहाल है राम जी का, राम जी की जी ननिहाल है, और बहुत सौभाग्य की बात है कि हम ये पावन दिन को देख पा रहे हैं। बहुत से लोगों ने इस तरह से खास बनाएंगे आप लोग और दिनों को, बहुत खुश है, बहुत खास बनाएंगे, सेवा करके और सुंदर कांड करके प्रभु का प्रसाद वितरण करेंगे, लोगों में भंडारा करेंगे, इस तरह से कॉलोनी को हम लोग सजाएंगे, शाम को प्रसाद वितरण होगा और दिन भर सुंदरकांड राममय होगा आज हमारा पूरा दिन। देखिए तस्वीर सीधे हम अपने तमाम दर्शकों को ये तस्वीर दिखाए जाएंगे, ये विरले दृश्य होते हैं कि किस तरह से रामलला यहाँ पर विराजमान हैं, और ये पूरे छत्तीसगढ़ में इस तरह से हर्षोल्लास है, लोग अपनी पूरी ओत प्रोत से भक्ति से डूबे हुए हैं और हर जगह पूजा आराधना तो चली रहा है, साथ ही साथ झांकियाँ निकाली जाएंगी, भव्य आयोजन भी किए जा रहे हैं, संस्कृति विभाग की ओर से विशेष तरह के। युगल आपके पास फिर लौटूंगा, तस्वीरें आप दिखाइएगा। इस बीच लगातार हमारे जो सहयोगी हैं सभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे, अलग अलग जगह अपने दर्शकों को लेकर चलेंगे, किस तरह से मंदिर में साज सज्जा की गई है तस्वीरें हमारे दर्शक भी देख पा रहे हैं। लेकिन इस बीच आगे बढ़ेंगे, कुछ जो अभी इस रामलला कार्यक्रम से जुड़ी हुई तस्वीरें हैं, इससे जुड़ी हुई जो अहम खबरें हैं वो भी अपने दर्शकों को हम दिखाएंगे और बताएंगे।